I came to this city on the 3rd of June 1981 मैं बॉम्बे आया था ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग करने के बाद एक साल डेढ़ साल एक्टिंग स्कूल में पढ़ाने के बाद मैं यहाँ आया था तो फिर दो महीने रहने के बाद मैंने जब अपना घर ढूंढा तो मुझे यहाँ पर ये घर मिला 2x15 ये कदम्स मेरे जो मकान मालिक थी मालकिन थी और इस छोटे से कमरे में 8x10 के कमरे में हम चार लोग रहते थे और एक किचन में जो मकान मालकिन थी अपने चार बच्चों के साथ रहती थी और यहाँ से शुरुआत की थी मगर मेरा एड्रेस बड़ा कमाल का था कि अनुपम खेर खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट तो रांची डायरीज़ के रिवीलिंग ऑफ पोस्टर और डेट जो 5 अक्टूबर को हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं उसके रिवील के लिए मुझे लगा कि मैं अपनी सारी कास्ट को डायरेक्टर को यहाँ लेकर आऊँगा तो उनको लगना चाहिए कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी आज 32 साल बाद 33 साल बाद मैं 510 फिल्में कर चुका हूँ काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों पर भी की है मगर एज लॉन्ग एज अपनी शुरुआत आप याद रखो तो आप ज़मीन से जुड़े रह सकते हैं आज इन सब लोगों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इनसे मिलता रहता हूँ इस बार मैं 2-4 साल बाद आया हूँ वरना मैं आता रहता हूँ अभी जो आप देख रहे हैं बड़ी पॉश सी देख रहे हैं तब जो था ये बहुत ही ज़मीन जो थी वो इसकी थी जमीन गड्ढे थे और टाइल्स नहीं थी बट इट्स है लोग वैसे ही खुश मिजाज अच्छे दिल से प्यारे यही हमारी फिल्म है ये ताज़े ही यादा रखता है ये जो यहाँ की ये यादें हैं वो ताज़ा रखता हूँ ताकि मेरे ज़मीन जो हैं वो ज़मीन से जुड़े रहें मेरे पैर जो हैं ज़मीन से जुड़े रहें वो इसकी बदौलत ही रहता है अगर जिस दिन मैं इस जगह को भूल गया ना उस दिन मेरा जो भड़प्पन है और जो मेरी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी जैसे मैं ये नहीं भूलता कि 3rd June 1981 को मैं 37 रुपये लेकर यहाँ आया था इस शहर में ये नहीं भूलता मैं कभी जब मैं बीटी स्टेशन उतरा था वैसे ही मैं कैसे भूल सकता हूँ 11 महीने मैं 12 महीने यहाँ रहा हूँ यहाँ के लोगों ने मेरी सक्सेस की प्रार्थना की है मुझे आगे बढ़ाने मेरा अनगिनत दुआएं दी हैं तो आई एम वॉट एवर टुडे बिकॉज आई रिमेंबर दिस प्लेस दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू डू दिस ऐसा कोई ऑफकोर्स इट्स ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑल्सो बट द बेस्ट थिंग इज दैट टुडे एवरीबडी इज वेरी हैप्पी रांची डायरीज़ छोटे शहरों के लोगों की अपेक्षाओं के बारे में है उनकी एस्पिरेशंस के बारे में मैं खुद क्योंकि छोटे शहर से आया हूँ ऐसे 4-5 यूथ की कहानी है 4 लड़के और 1 लड़की की कहानी है जो कुछ बनना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए वो गलत हरकतें भी करते हैं सही हरकतें भी करते हैं बट उनकी एस्पिरेशंस की कहानी है आज हिंदुस्तान जो है वो छोटे छोटे शहरों के हीरो से है MS धोनी रांची से है अब जितने भी ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं बाकी हमारी हॉकी टीम के हमारी क्रिकेट टीम की जो फाइनल में पहुंच गई थी ये सब छोटे छोटे शहरों से है हिंदुस्तान छोटे शहरों में उनकी जान है हमारे हिंदुस्तान की तो दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू द मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु हैव एस्पिरेशंस टू बिकम समबडी नहीं सात्विक मोहंती जो इसकी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो मेरे पास मुझे एज एन एक्टर साइन करने आए थे तो मैंने उनसे पूछा कोई प्रोड्यूसर है उन्होंने कहा प्रोड्यूसर तो कोई नहीं है मैंने कहा जब होगा तो बता देना मुझे फिर 2-3 महीने बाद फिर उनका मैंने उनको फ़ोन किया मैंने कहा क्या हुआ भाई उसका तो कहते कोई प्रोड्यूसर नहीं फिर मैंने उनको बुलाया तो मैंने कहा ठीक है आई लाइक योर स्क्रिप्ट तो लेट्स सी नाउ हाउ कैन वी फाइंड द मनी जी 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 आई एम द बैड गाय इन द फिल्म दिलीप साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक ख़ास किस्म की शख्सियत हैं और मैं उनकी तबीयत की दुआ करूंगा कि जल्दी ठीक हो जाएं पूरा राष्ट्र उनके साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जैसे हर सिचुएशन के बाद जब उनकी तो वो बिल्कुल हम सब उन छोटे छोटे दिलीप कुमार हैं उनकी तरह एक्टिंग करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है एंड आई विल प्रे टू गॉड अलॉन्ग विद 1.2 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया दैट ही इज़ फाइन सून